नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सब कमलाकांत प्रथम नजर पकाइने कौन रही हेडलाइंस। अवपातर रूप नेला बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा जारी। उपकूल दक्षिण पर आज पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। आंचलिक पानीपाग विभाग पक्षर पांच जिला को रेड वार्निंग। मूर्ति उच्चता आबद्ध पूजा प्रसंग कटकिया भाववेग खेल। सरकार का निष्पत्ति विरोध में आज बार घंटिया कटक बंद डाकरा देछि बीजेपी। दाबी पूरण न होबा जाए आंदोलन जारी रखा चेतावनी। गुजरात को फेरिला पटेल राज। भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री होबा नहीं विधायक दल बैठक में निष्पत्ति। आज दिन दुईटार अनुष्ठित होबो नुआ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम। जोगदेवे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। संवेदनहीन संबित सहायता आशे आसुवा रोगी को टंका दे दायित्व सारी पारादीप विधायक। रोगी को विधायकों टंका दरकार ना सरकार विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार लाभ उठिला बड़ प्रश्न। सुंदरगढ़ कोईडारू सामना को आसला बीजेडी मिश्रण पर्व में छोट पा सामिल करार चित्र। पूर्व बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती सभार शिशु उपस्थिति को नहीं मामला रुजु करते राज्य शिशु सुरक्षा कमिशन। एवं प्रश्न शासक दल विरोध में कमिशन ने कि कार्यानुषान। बाहरीन ओडिया श्रमिकों निर्यातना घटना समस्त प्रकार सहयोग जगह देवाक प्रतिश्रुति दे बाहरीन श्रम मंत्री। स्थानीय सरकार और भारतीय दूतावास जोगाजोग कले ओडिया समाज सभापति। प्रवासी ओडिया श्रमिकों सुरक्षा पर प्रचेष्टे डॉक्टर अरुण प्रहराज। पदार पड़ा राज्य सरकार को आवास सत योजन योग्य को बाद अजोग्य को मिलू घर। योजना देवा बदल गरीबों मगा जा लांच। टांगी चौदह ब्लॉक आग्राहट पंचायत आसला आवास योजनार बास्तव चित्र। एवं राजनेता प्रायोजित बाली माफिया कब्जे जाजपुर। जंत्रचालित डंगारे लूट चली कोटि कोटि टंकार धला हीरा। राजनैतिक संपृक्ति नहीं आसला संगीन अभियोग। सबु जाणी काहीकि चुप बसी प्रशासन। एवं संपूर्ण खबर। केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप घनीभूत होगा फल राज्यव्यापी वर्षा जारी रही। रविवार दिन तमाम उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होगी। लगाण वर्षा फल सहरांचल और ग्रामांचल तली अंचल गुड़िक जलमग्न होता बेले ट्विन सिटी वर्षार विशेष प्रभाव देखा मिली। अति प्रबल वर्षा होगा द्वारा राजधानी विभिन्न स्थान में पा जमी रहा सहित यातायात बाधाप्राप्त होता। आंचलिक पापाग विभाग आकलन अनुजाई पुरी रे सर्वाधिक 195.8 मिलीलिटर वर्षा रेकर्ड करा। पारादीप 169.4 एवं भुवनेश्वर 133.3 मिलीलिटर वर्षा रेकर्ड। उपकूल और दक्षिण ओडिशा परे आज पश्चिम ओडिशार केतक जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। जहाँ सबु जिले में आंचलिक पापाग विभाग पक्ष रेड वार्निंग जारी करपटे लगान वर्षा फल उपकूल ओडिशार प्रमुख नदी ब्राह्मणी बैतरणी चलका नदी में बन्या परिस्थिति आशंका सृष्टि होती। प्रभावित होगा जिलागुड़िकर जिलापा सतर्क रहा एसआरसी पक्ष निर्देश दि जाए। तबे पानीपाग संपर्क अधिक अपडेट पर जी आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि रही। स्वप्नांजलि कौन अधिक अपडेट आसुची? आज राज्यव्यापी वर्षा जारी रही। गत काली नियति भावे सबू रेकर्ड भांगी वर्षा। आज कौन अधिक अपडेट होची पानीपाग विभाग पक्षर? देखंतु कमलाकांत, जो भाई भाव में राज्य में वर्तमान दुई दिन पर्यंत लगाण वर्षा एवं पानीपाग आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर जहाँ सूचना जारी कर आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर अनेक स्थान में वर्षा हेबो एवं पूरा ओडिशा भिजुच्छे बोली आम कहीपर। कमलाकांत, जो भाई भाव में राज्य में मरुड़ी आशंका करा कौटिना कौटि टी आशा संचार कर ये जो लघुचाप जनित वर्षा मौसुमी जनित वर्षा सक्रिय रही ट्विन सिटी एवं तमाम अंचल। आज जहाँ पानीपाग आंचलिक पानीपाग केन्द्र सूचना देखिए पश्चिम ओडिशा
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜେଇବ ଏ ବର୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ସେପଟ ସମ୍ବଲପୁର ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 133% କ୍ଷମା କରିବେ 133% ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ରହିଛି କି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା SRC ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୈତରଣୀ ଏସବୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜଳସ୍ତର ଯାହା ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ା ହେଇଛି ହୁଏତ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁଠି 3 ମହଲା ଘର ଦବି ଯାଇଛି ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି କାରଣ ଗତକାଲି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଥିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ଆଉ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିଠୁ ଆଜିର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି କିଛି ଖବର ମିଳୁଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷା କାହିଁକିନା 1958 ମସିହାରେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଇଏ ଆଶା ରହୁଛି ଇଏ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ଆମେ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ନବୀନ ବସ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ନଗରର ଦୃଶ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ବସ୍ତି ନୁହଁ VVIP କଲୋନୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ନଗରର ଚିତ୍ର ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାଲି ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ର ଲଗାଣ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଘର ଭିଜିଥିଲା ଘର ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସରୀସୃପ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶିବେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ନବୀନ ବସ୍ତିର କାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କମଳାକାନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଘର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକେ ବେକେ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି କାହିଁକିନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ କାହିଁକିନା କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଲଗାତାର ଖବର ଦେଉଛୁ ବା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଉ କେନାଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ବୁଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି କାର୍ ବୁଡ଼ୁଛି ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯଦିଓ ବର୍ଷା କମିବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯଦି ଏ ରାଜଧାନୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଥିବାର ଖବର ଆସୁଥିଲା ତେବେ ଆଜି କିଛି ସେଭଳି BMC ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିଛି ସେଠାରେ ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାରଣ ଗତକାଲି ତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି BMC ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ
काली जहाँ चित्र थिला कमलाकांत काली गोटिए दुईटा जगार बीएमसी पानी पंप जो जाकि पहुँचीला ता भी दुई तीन घंटा लगाण वर्षा है और घरे पानी पशिला लोक ना असुविधा जिते सम्मुखीन है जिते वर्षा पा कमी लगला जो पानी पंप पहुँचीला निहाती भाव निंदनीय कहीं जो लोक मैंने पानी से फसिक रही से सब ट्विट जो भुवनेश्वर कथा कह जो राजधानी कथा कह सब अंचल जो मैंने बीएमसी जानसी जानी स्थान गुड़िकल गुड़िक तलिया स्तर अच्छी यही तल स्तर को पानी पशुची ये केवल आजिकार कथा नुह ये केवल यही मौसम जनित वर्षापी नुह ये लगाण दस वर्षर कथा जहाँ लोक मैंने का प्रतिक्रिया दौले कि बीएमसी जानी से लिखित अभोग बहु बार करु तथा बीएमसी कौन सठिक पदक्षेप नहीं ना कारण स्थित उपजी तेणु लोक मैंने आशा करुँचन प्रकार फोन जगे देखा पूरा ओडिशा रे वर्षा जारी रही तेज सब अधिक प्रभावित राजधानी होता भाई लगुच कारण स्मार्ट सिटी रो दृश्य गत काली पूरा राज्य देखी कि लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती ड्रेनेज व्यवस्था पूरा पोल खोली जाता है बीजेडी सरकार जो दाबी करूला स्मार्ट सिटी कथा हुए तो गत कालीर चित्र स्पष्ट करुच्चे ड्रेनेज व्यवस्था जो नाई स्मार्ट सिटी कथ भावा उचित निति बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नांजलि एथिले आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक अपडेट दौले पापाग को लेकिन तेज आगक प्रथम खबर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी तेज बर्तमान समय अच्छी गोटे छोट ब्रेक र ब्रेक परे पुनः स्वागत मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंगे कटकिया भाववेग खेल एने राज्य सरकार को निष्पत्ति सहजरे ग्रहण करता सहित कोविड संपर्क कौन रही तार उत्तर खोजुंट कटकवासी राज्य सरकार को अजब निष्पत्ति विरोध कर आज कटक बीजेपी पक्ष बार घंटिया बंद डाकरा दि जाए बंद में सामिल होगा बीजेपी पक्ष समस्त पूजा कमिटी को अनुरोध कर दावी पूरण न होबा जाए आंदोलन जारी रहिबो बोली चेतावनी देछि बीजेपी अनेपटे राज्य सरकार कही निष्पत्ति को नहीं कटक बीजेडी भितरे मतभेद सामना पासिछि निष्पत्ति को नहीं दल एबे दुईफाल होइथिबा देखिबा मिलिछि शांति कमिटी बैठक में भर्तुहरि महताब को निष्पत्ति पुनर्विचार दाबी को नहीं बीजेडी नेता देवाशीष सामंतराय टार्गेट करबा सह भर्तुहरि को मंतव्य कटक रे विभ्राट सृष्टि करिछि बोली कहिछन्ति एक खबर संपर्क अधिक अपडेट पे कटकु आम प्रतिनिधि जोड़ी होती इमरान इमरान कौन अधिक अपडेट रोच आज बीजेपी पक्षर बंद डाकरा दि जाए कटक्र भाववेग खेल एवं बीजेपी कटकिया आज बंद डाकरा दे कि वर्तमान परिवेश रही कारण गोटेपटे वर्षा चली कि बंदर प्रभाव कि देखापे मिले देखो कमलाकांत जपर भाव जानते हैं दुर्गा दशहरा अवसर में जो व्यवहार सरकार कटक रही मृत्यु चुता बाद विवाद लगी रही है सरकार को निष्पत्ति को विरोध करके आज कटक नगर बीजेपी पक्ष बार घंटिया कटक बंद डाक दी जाती जेहतु आप जानते गत काली राति लगा वर्षा होती वर्षा वर्षा जो पूरा पूरी भाव में सहर भिजुच्छे कि यार भितर जेहतु आज बार घंटे बंद डाक दी जाती आउ किसी समय पर पिकेटिंग आरंभ कर बीजेपी और परवर्त अवस्था चौदह सका नौटा जो जो दुकान दुकानी माने दुकान बजार खोलिबे तांकु जाके बुजा सुजा करिबे एवं सेमानकु दुकान बंद करिया पई मध्ये सहयोग पड़िबो सेमानकर जेतु 12 घंटिया जे बंद डाकरा दि जेची सकल 6 रु संध्या 6 यारि भितरे नगर बीजेपी रो प्रतिटी कर्मी प्रतिटी नेता विभिन्न छक मानकर सेमाने पंतरा मारिबे एवं जे जो दुकान बजार खोला रहिबो सेमानकु बंद करिया पई निवेदन करिबे ता सहित अपन जानथिबे सेमाने जेतु किछि दिन पूर्व जे दिन घोषणा करा गला जे कटक सोमवार दिन बंद करा दिबो सेहि दिन ठारु वर्तमान गतकाली पर्यंत सेमाने विभिन्न छक विभिन्न साई बस्ती में विभिन्न अंचल परिदर्शन करते लोक सचेतन करते कि सरकार जो भाव में निष्पत्ति बर्तमान मृत्यु उच्चता प्रसंग को लेकिन आबद्ध पूजा को लेकिन सरकार तुरंत कोहल करते से कटक को कटकवासी आस्था करते सरकार सम्मान दिंतु और विभिन्न बुद्धिजीवी जो रही सामाजिक संगठन राजनेता समस्त सहयोग लोड़ा बीजेपी और समस्त बंद सबको समर्थन करने समस्त नवेदन कर आज जेहतु 12 घंटे बंद करुच्ची बंद समय विनियत कौटि ना कौटि लोक मान समर्थन के राजनेता बुद्धिजीवी इमरान ये गोटे प्रश्न आसकी सब कटकिया निहाती भाव में पचार थे प्रथम प्रभात त्रिपाठी बयान आसला जे से ठीक भाव बुझाई पारे आ बर्तमान
राज्यवासी कथा कहतु बा कटकवासी कथा बुझा परिवर्ते बीजेडी भितर कंदल सामनाक आसी देवाशी सामंतराय कथा कहतु भर्तरी मताम कथा कहतु और तापूर्व प्रभात त्रिपाठी कहते आम ठीक भाव में बुझे पार्लुनि तो लोक प्रतिनिधि जदि से ठीक भाव में बुझाई पार ना लोकों कथा बदल में निज भितर कंदल लगुच निहाती भाव में केवल कटके नुहत राज्यवासी दुख दे निहत भाव देखो कमलाकांत आप जानते किसी दिन पूर्व मुख्य शासन सचिव और एसआरसी सहित कटक शांति कमिटी पूजा कमिटी बैठक होता है और बैठक पर जहां निष्पत्ति कथा आशा गोटे संचार होता है मूर्ति उच्चता को लेकिन सरकार कोटि ना कोटि कोटि निश्चित कटक कोहल करेंगे कि पारा ना एसआरसी जितेबाड़े घोषणा कले पूर्व जहां निष्पत्ति सरकार कटक से कटक लगि रवर्त अवस्था पूजा कमिटी संपादक जी अच्छा प्रभात त्रिपाठी जी पूर्वतन विधायक से जहां सूचना देते कोटि ना कोटि सरकार को बुझेबारे विफल होती परवर्ती अवस्था पूजा कमिटी शांति कमिटी पुणी बैठक बसला और यह बैठक में कटक सांसद भर्तरी मताप गोटे कथा स्पष्ट भाव में कहते मूर्ति उच्चता सहित कोरोनार कौन संपर्क नुहे और मूर्ति उच्चता को लेकिन आउ थे सरकार को से प्रस्ताव देवे निजे जाकि मुख्यमंत्री सहित से कथा हे मूर्ति उच्चता और जो रही आबद्ध पूजा यह कोहल करने से मुख्यमंत्री सहित निजे आलोचना करेंगे बोली जाकि कटक सांसद भर्तरी मताप कहते समस्त नजर रोचे आज बंद नजर रहीपरी सरकार निष्पत्ति बदलाउंट ना नहीं कटकिया नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान रही आम कटक प्रतिनिधि रही है और अधिक अपडेट देते कटक आज जो बीजेपी पक्ष बंद डाकरा दि जा गुजरात को फेरला पटेल राज विधायक दल निष्पत्ति परे आज गुजरात मुख्यमंत्री भाव शपथ ने भूपेन्द्र पटेल रविवार गांधीनगर ठारे अनुष्ठित बीजेपी विधायक दल बैठक में सर्वसम्मति क्रमे भूपेन्द्र को विधायक दल नेता निर्वाचित कर राज्यपाल भेट दाबी जनता बेले आज दिन दुईटे से गुजरात मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे एक कार्यक्रम में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जोगदेवे जमापड़ दुई दिन परे नुआ मंत्रिमंडल सदस्य माने शपथ ने गुजरात बीजेपी मुख्य सी आर पाटिल सूचना देखते आगक 2022 विधानसभा निर्वाचन आसुची जहाँ को आखि आगे रखी पटीदार संप्रदायर टाणुआ नेता भूपेन्द्र को मुख्यमंत्री करी बीजेपी राजनैतिक गोटी चल विशेषज्ञ मैंने मत दे संवेदनहीन संबित राउतराय सहायता आसने आसुवा गरीब रोगी को 1500-2000 टंका दे विधायक सारी देखते निज दायित्व रोगी को विधायकों व्यक्तिगत टंका ना दरकार विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन लाभ उठिला बड़ प्रश्न संवेदनहीन संबित दुष्मंत को देले 1500 टंका झुनु चिकित्सा पई 2000 टंका टंका 2000 एमएलए बाबू टंका 2000 आमको देले 2000 टंका रे ओडे पेशेंट किंतु हां निजे दे 2000 टंका देले पवन छाड़ कहिले बीजेडी विधायक संबित राउतराय परे भी एमएलए पाखु को नेलु नै करिए पिला दिटा को एकले कहले कोन व्यक्तिगत समस्या हम सर हां व्यक्तिगत ना चलो मुटे पवन मते पवन छाड़ पवन खाइले मु कथा आबी कुजंग मठ साहिर रोगीणा महिला झुनु मेरुदंड समस्या सहित टीबी मास मास धरी कष्ट पाउथले चिकित्सा पाई अर्थ नथिला सहायता पाई गांव महिला माने एक सभारे जोग देथिबा बीजेडी विधायक संबित राउतराय को भेटिबा को गले घंटा घंटा धरी अपेक्षा कले पिलामानों को गोड़ तले सुआईले काली टिके संवेदनशील हेबे पारादीप्र बीजेडी विधायक बाबू संबित राउतराय बहु समय पर विधायक बाबू देखा देले कौन कहिले टिके सुनंतु 11टा बलठरु 5टा बल जागा आमे अपेक्षा करिछु ए छोट छोट पिला दीटा को मुँह भी धरिकी एमएलए बाबू जो भाषण दौंस मो मन व्यतीव्यस्त नहीं गोड़ तले भी थे पकई सारी एमएलए बाबू शुणिले पलिगले व्यस्त भितर शुणी पारे तापर भी जो सभा भांगापर भी एमएलए पाखक नेलु नहीं पिला दीटा को कहले कहले कौन व्यक्तिगत समस्या मुझे सर हाँ व्यक्तिगत ना चल मुझे पवन मत पवन छाड़ पवन खाइले मुझे कथा हेबी तापर भी अपेक्षा कलु आम तो साइ पा दीटा को आनली सार गोड़ तले एमएलए गोड़ तले पकईली कहले कौन कौन ना उठिले आम कहे सारे एमतीया परिस्थिति जोगु ये लोकटी अभाव जोगु मेडिकल जाई पारुनी आपण को केतरु हमर किछि सहाय्य पाइले आमे ताको मेडिकल ग्रामवासी माने मेडिकल नेइकरि जिवु सार सुना तांको लोकंकु कहिले कले हौ ग्राम आमे सहाय्य करिवु ये करिवु टंका 2000 एमएलए बाबू टंका 2000 हमको देले चिकित्सा नपाई आत्महत्या करितबा दुष्मंतक क्षेत्र रे भी ठीक एया होइथिला देखंतु ए व्हाट्सएप चैट को निजे दुष्मंत लेखिछन्ति विधायक संबित राउतराय तांको 1500 टंका दे विदा करि देले
दुष्मंतक परिवार को पोष्य परिवार करिसंती संबित तर मासिक घर खाइबा खर्च चावल हो डाली हो जहाँ भी हो प्रत्येक मस सेटा मुझे बुझी द्वितीय कथ पिला कलेज में पाठ पढ़ की चाकरी कला पर्यटन से दायित्व ही मोर यहाँ मानवीयता दृष्टि मुझे करुँचु जेहतु कहीं गोटे बोली पुह था कहीं ना तो बुढ़ा बापा माँ स्त्री टी छुआ तो ये दायित्व मोर 2000 टंका रे केमिति हेबो झुनुंक चिकित्सा झुनुंक विधायकक व्यक्तिगत टंका दरकार ना बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे लाभ 1500-2000 टंका दे दायित्व सारी देउछंती कि संबित एते संवेदनहीन केमिति विधायक संबित राउतराय पारादीपुर विश्वजित बरालंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज बीजेडी मिश्रण पर्व में छोट शिशु सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक रो बीजेडी मिश्रण पर्व में यह दृश्य देखा मिली रविवार सुंदरगढ़ बीजेडी पक्षर एक मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता एक कार्यक्रम में बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास सुंदरगढ़ पर्यवेक्षक प्रीतिरंजन खड़ाई राउरकेला विधायक शारदा प्रसाद नायक प्रमुख उपस्थित थे एक कार्यक्रम में कोविड नियमर खोलाखोली उल्लंघन होता किसी छोट पा कार्यक्रम में सामिल होता देखा मिली दलय कार्यक्रम में छोट पिलांकु सामिल करा सहित कोविड नियमर खोलाखोली उल्लंघन नहीं स्थानीय बीजेपी नेता प्रश्न उठाई अन्यपटे किछि दिन तले राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती राजनैतिक सभार शिशु मान उपस्थिति को नहीं एवं मामला चली घटन एफआईआर करते शिशु सुरक्षा कमिशन अध्यक्ष तेज वर्तमान सुंदरगढ़ यह घटना को देखापुर जहाँ मन हो राजनैतिक कार्यक्रम में शिशु मानू व्यवहार करा तबे एहा शिशु सुरक्षा कमिशन अध्यक्ष नजर को आसब कि सुंदरगढ़ जिलार कोईडारे मिश्रण पर्व विजु जनता दल जो करागला हजार हजार लोक बिना मास्क रे एकजुट होते द्वितीय तो तृतीय लहर जो कह तृतीय लहर में छोट छोट पाने कोरोन आक्रांत होती ये सारा भारत में सिम्टम देखेलाशार आरंभ है किंतु आज जो मिश्रण पर्व में शताधिक छोट छोट पा बाजा बजे आगे नचेकि विजु जनता दल टोपी पिंधे जो भाया जाऊँच ये केवल माने कोरोना रो संक्रमण बढ़ेबार योजना ये कौन मिश्रण पर्व योजना नथिला आश्चर्य लगुच राज्य सरकार सेठिकार एडमिनिस्ट्रेशन एठिकार पुलिस प्रशासन एवं अन्य माने किभली माने देखुले चुप रहुले केवल प्रशासन विजु जनता दल भय आउ कि प्रशासन एटी नीरव द्रष्टा साजिकी जो भाई स्थित छोट छोट पा नौते तेणु ए उपरे मुझे सरकार स्पष्टीकरण दवा दरकार छोट छोट पा कि विजु जनता दल टोपी पिंधे बिना मास्क रे शताधिक पा एकजुट कराला यापर कड़ा एक्शन हवा कथा और विजु जनता दल एक्शन भी हवा कथा जे एभली घटना जमी पुनरावर्ती न हुए विदेश रे ओडिया श्रमिकों को निर्यातना घटना रे बाहरीन श्रम मंत्री देले प्रतिश्रुति श्रम मंत्री अहमद अल हाइकी आश्वासना देछंती जे जे माने काम करबा को चाहू नहंती से माने चुक्तिनामा अनुजाई विज्ञप्ति परे भारतीय दूतावास रे अनुरोध दाखल करि परिबे से मानको घर को पठाजिबो बाहरीन डेपुटी श्रम मंत्री अहमद अल हाइकिंग को सह बाहरीन ओडिया समाज सभापति डॉक्टर अरुण पुरहराज प्रवासी श्रमिकों समस्या संपर्क में आलोचना करिसंती शीघ्र एही समस्यार समाधान तथा ओडिया लोकों सुरक्षा पई विस्तृत भाव में आलोचना करथिबा जणाइछंती मैं जड़े ओडिया भाई मत बुधवार दिन बाब लेबर कैंप बाप को विषय अवगत करते जहाँफल इंडियन एम्बेसी आम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एवं कंपनी सहित यह मैटर को टेकअप करी एवं मोर हाथ जोड़ी अनुरोध मो ओडिया भाई मानक आप चैनल मध्यम जे से कौन मोब न मिशियापी कारण 5000 वर्कर अच्छा से कौन प्रकार भी असुविधा हो पाए आपको एश्योर कर मैटरटा बहुत शीघ्र सल्व हो आम जो ओडिया भाई मैंने निजे अभिटामाटी को फेरी जावाक चाहते विषय भी मु मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सहित ऑलरेडी कथा ही सारी से आमको आश्वासन दे बहुत शीघ्र से व्यवस्था कर दिया जिवो जो मानक सेटलमेंट आठ जो मैंने रहिबाक चाहते वर्किंग कंडीशन रे जदि कौन असुविधा अच्छी से रिजल्व करेंगे पदार पड़ा राज्य सरकार को आवास सत योजना को योजनार योग्य को बाद दे अजोग्य को मिलुची घर दलय भितर शासक दल कर्मी को घर मिलुवा अभियोग कटक जिला टांगी चौदार ब्लॉक अंतर्गत आग्राहाट पंचायत रे देखा मिली सरकारी आवास योजनार वास्तव चित्र
नवीन सरकार को भी आम एम कहूँ देखु आम ये परिवार केमती रही विनती कर तुरंत आसिकी ए समस्याटा देखिकी आप गला निजे भी जापर प्रकृत लोक मैंने केमी असुविधा अनहार बचिक रही घर ना द्वार ना कि खायापी भी किसी ना घर पदार पड़ा राज्य सरकार आवास सत योजन योग्य को बाद अजोग्य को मिलूँ घर दलय भित्तरे शासक दल कर्मी को घर मिलुवा अभोग मुंड गुंजा घर टीए गुहारी कले गरीब को सरकारी बाबू मगुंट लाच कटक जिला टांगी चौदर ब्लक अंतर्गत आग्राहाट पंचायत में देखा मिली सरकारी आवास योजनार बास्तव चित्र पांच शह रु ऊर्ध गरीब परिवार रोकवा यह गाँव में अधिकांश लोकों मुंड पक्का घर भंगा झाटीमाटी चाल घरे दिन काटुवा बेले आज भी सरकारी आवास योजनारु एमाने वंचित कौन सी सरकारी सहायता उपरे किछि पाइनु आउ कौन सी जिनस पाइबापी चाहिए भी आम कौन आम कि गोटा दियो किछि आमको गोटे खर्च पत्र करने दियो ना आम राली फाली भल मंदिर किसी आस तापर जा सहायता आम देपरबू आर्तमान समस्ते मत एम कौन जो कि गोटा खर्च पा दे तुम जापर निजे तो आम बर्तमान खाया पीवाई हईरा असुविधार पड़चु कितु आम दवापी कौटे आम अर्थबल अच्छी आम देपरबू से आम एमती असुविधा सकाश आम हो पारे घर टीए सरपंच आरंभ कर ब्लक स्तर में गुहारी कले भी फल शून ओलटी घर देवा लाच मगा जा गरीब हिताधिकारी मैंने अभोग आोटेपटे योग्य हिताधिकारी घर वंचित होपटे पंचायत में शासक दल अनेक अजोग्य हिताधिकारी आवास योजन लुटी ने गंडा गंडा घर जो स्थानीय सरपंच आरंभ कर सरकारी बाबू संपृक्ति नहीं उठी प्रश्न जो सरपंच सरपंच तुम घर कौन दरकार तोर तीन पुआ तोर घर कौन दरकार सरपंच शुणिले ना आवास बंटन समय सठिक तदंत कर योग्य हिताधिकारी घर पाइपारे तेबे आग्राहाट पंचायत रही आवास अनियमितता उपरे तदंत केबे हेबो केबे प्रकृत हिताधिकारी घर मिलिबो देखिबा को बाकी रहिला कटक चौदररु अजित स्वाईं का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रथम खबर समय सरिछि अधिक अपडेट पई देखु थांतु अर्गस न्यूज। नमस्कार।